इंसान बनने के लिए शख्सियत की एक बड़ी अहमियत होती है, वो है माँ। आज मैं अपने अम्मी से एक इंटरव्यू कराकर एक उनकी खालियत जानूंगा। आइए मिलते हैं ना अम्मी से। आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजुम मोहम्मद समी गदवाल है। आपकी तहरीक कहाँ से पूरी हो पाई? जी, मैं MSc बीएड हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम पूना से अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम स्कूल से हुई है और कॉलेज भी पूना से हुआ है। और यहाँ शोलापुर में आकर मैंने बीएड की तालीम हासिल की। एक बच्चे की जिंदगी में रहना माँ की अहमियत बहुत जरूरी है, इस बारे आपको क्या कहना है? जी, जैसा आप जानते हैं कि जब बच्चा थोड़ी सी पैदा हुए बाद थोड़ा समझता है तो सबसे पहले वो अपने माँ को पहचानता है। जैसे कहा जाता है कि माँ की गोद पहली दर्सगाह होती है, तो बच्चे की हर इब्तदाई तालीम, चाहे वो दिनी हो दुनियावी हो, वो सब बच्चे को माँ के ही ज़रिए हासिल होती है। तो माँ का होना बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसे एक अच्छा इंसान बनना है। ये लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज मदरसे सब बंद हो गए हैं, इसके लिए बच्चे जिद्दी शरारती बन गए हैं, आप उनको कैसे संभालते हैं? जी देखिए, बच्चे जिद्दी शरारती तो होते ही है, लेकिन उस जिद्दी और जिद और शरारत में उनकी एक मासूमियत छुपी होती है। अगर कोई बड़ा शख्स कोई जिद या शरारत करे तो हम कहते हैं कि क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। तो अगर बच्चा जिद कर रहा है तो उसे सही तरीके से, उसे अपने प्यार मोहब्बत से समझा कर उसे मनाना चाहिए। और अगर कभी वो शरारत ज़्यादा करे तो बिला वजह उसे डांटने की बजाय उसे प्यार और मोहब्बत से पहले समझाइए। इस तरह हम अपने बच्चों को संभालते हैं। आपको अपने बच्चे से क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इंशाल्लाह कि मेरे बच्चे एक नेक इंसान बने, अल्लाह ताला के सही सीधे रास्ते पे चले और अच्छा शख्स बने जो लोगों के काम आए और अपने देश के लिए भी कुछ ना कुछ करके दिखाए। शुक्रिया। मैं अब्दुल वहाब मोहम्मद समी गदवाल, जमात अव्वल, सोशल उर्दू प्राइमरी स्कूल, शोलापुर। थैंक यू।